Hey guys, ये जो रीमा सेन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ कोर्स। और आज संडे है तो मेरा छुट्टी है संडे, लेकिन इस वीकेंड मैं घर नहीं जा पाई, थोड़ा काम था कल इसलिए। तो आफ्टर दैट सब कुछ वर्क कंप्लीट करके मैं और मेरी कलीग वैशाली हम लोग आ गए थे अपना रूम पे। तो वो कल मेरे साथ थी रात को, और आज भी होल डे हम लोग साथ में रहने वाले हैं। और आज संडे मैं क्या क्या करूँगी सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले शेयर करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी हम लोग नींद से उठ गए और ब्रेकफास्ट में बनने वाला है पास्ता। तो मेरे साथ रहिए ब्रेकफास्ट से लेके स्टार्ट करके होल डे, लंच प्लस डिनर सब कुछ व्लॉग में होगा। तो मेरे साथ रहिए और सपोर्ट कीजिए, फुल व्लॉग देखिए। और न्यू जो है मेरा चैनल में, तो वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेरे साथ रहिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑब्वियसली पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले पास्ता का ज़रूरत है, और उसके बाद ये मैंने कटिंग कर रही है कुछ वेजीज, और दूसरा तरफ चाय बन रहा है। चाय पहले पियेंगे फिर उसके बाद पास्ता। ये कलरफुल वेजीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने डाल दिया अंडा, ये बंगाली स्टाइल का पास्ता है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट सर्व हो चुका है, तो अभी झटपट खा लेते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है, और ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा छत पे आई हुई हूँ कपड़ा सुखाने के लिए। तो इसके बाद हम लोग लंच पकाएंगे। तो लंच में क्या बनने वाला है आप लोगों को गेस करना पड़ेगा। तो ये वीडियो देख के गेस कर लीजिए कि लंच में क्या बनने वाला है। और जो लोग गेस कर लिए हैं ऑलरेडी, वो लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यस, आप लोगों का गेस पता नहीं कितना सही होने वाला है, लेकिन मैं अगर वो देखती तो मैं झट से गेस कर लेती। तो ये बन रहा है चिकन। यस, इतना ध्यान से मैं अगर पढ़ाई कर लेती तो कहाँ पहुंच जाती। तो देखिए, हम लोगों ने घर मतलब लंच पकाया था घर पे, लेकिन अचानक हम लोगों का मूड हुआ कि हम लोग लंच घर पे आज नहीं करने वाले हैं। तो हम लोगों लंच को पैक कर लिए हैं, पैक करके निकलने वाले हैं ड्राई पिकनिक के लिए। तो अभी तक डेस्टिनेशन फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी से रोंगटन साइड। तो चलिए, यहाँ पे मेरा एक स्कूटी तो है ही, और जो कि बाहर से मेरा एक फ्रेंड आया हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को दो स्कूटी चाहिए था। तो इसीलिए हम लोग शक्तिगढ़ में एक लोकेशन है जहाँ पे स्कूटी रेंट में मिलता है, तो वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। वहाँ से एक स्कूटी रेंट में लेंगे और निकल जाएंगे। तो साथ रहिए और फुल ब्लॉग देखिए, पूरा एक्साइटिंग होने वाला है। तो एक नया जगह का नाम भी हम लोग सुने, नया नहीं है, पुराना ही है, शिव खोला, तो उस तरफ भी जाने वाले हैं। तो आप लोग साथ रहिए। और हम लोगों ने जहाँ से स्कूटी रेंट में लिया था उसका नंबर मैं स्क्रीन में दे दूंगी, आप लोग इजीली वहाँ से स्कूटी रेंट में लेके जा सकते हैं। और उसका जो रेंट है वो भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये हम लोग जा रहे हैं शिप खोला, जो कि हमारा डेस्टिनेशन है। तो फ्रेंड्स, मैं ये व्लॉग को ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी, शिप खोला का व्लॉग मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा आप लोगों को। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखिए। बाय बाय।